नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नवक युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर पड़ोसी को मारी गोली, पड़ोसी एक गंभीर रूप से घायल। कोतवाली क्षेत्र के अंधेरा ग्राम मल्हापुर चाहलाहत निवासी नरेश पुत्र छोटेलाल 40 वर्ष अपने घर से थोड़ी दूर पर ही अपने चाचा के पुत्र शिव कुमार के घर के बाहर बैठा था, जिसे अपराधी एवं दबंग पड़ोसी ननकू यादव पुत्र रामजीवन अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर गाली गलौज कर ननकू ने तमंचे से फायर नरेश पर झोंक दी, जिससे गोली उसके सर में जा धसी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोगों ने बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल उन्नाव रेफर कर दिया। ननकू यादव ने 2006 में 18 मार्च को बांगरमऊ मोहल्ला कटरा निवासी राजकिशोर यादव की कोतवाली में महज 200 मीटर की दूरी पर रानी विद्या मंदिर के सामने अपने तीनों भाइयों एवं पिता व एक सहयोगी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। नाम है आपका? सुनील सर। कहाँ रहते हैं? मल्लपुर चाला। ये घायल है, क्या हुआ इनको? इनको ननकू यादव ने गोली मारी और चार पांच भाई थे और ललकार करके आए और फायर मार दी और गाली गलौज बहुत गंदी कर रहे थे। कह रहे थे जान से मार डालेंगे सबको, छोटे छोटे थे, बड़े बड़ों को सबको मार डालेंगे। अच्छा, क्यों मारी गोली उन्होंने? मारी गोली क्यों सर, हम लोग आपस में बतला रहे थे, मामा भांजे, और आपस में हम लोग बतला रहे थे तो भांजा मेरा कहने लगा तुम मामा कितने बड़े गुंडा हम कहा तुम कितने बड़े गुंडा वो अपने आप पर लेके बोले उरे बड़का कि कितना बड़ा गुंडा है और साले अभी देख गोली मार दौड़े दौड़ के आया बंदा फटाफट सर। असलहा कौन सा असलहा था? मैं 315 का शायद असलहा था सर। अच्छा, उसी से फेर मारी उन्होंने। फेर मारी तीन चार फेरे करते हैं। तो आपके भाई के कहां लगी है गोली? मत्थे पे गोली, यहां पे लगी है सर। यहां पे लगी हुई है। तो कहां लाए हैं इनको? बांगरमऊ हॉस्पिटल में। तो यहाँ से क्या किया गया? यहाँ पे सर इंक्वायरी हुई है पूरी, आगे देखो कहाँ भेजते हैं।